क्रियामान, पहली श्रेणी है क्रियामान, और दूसरी श्रेणी है प्रारब्ध, प्रारब्ध, और तीसरी श्रेणी है संचित। हाँ अच्छा, क्रियामान कहते हैं उसको जो अब हम कर रहे हैं, हाँ ये क्रियामान है, ये तो क्रियामान हो गए। प्रारब्ध वे हैं जो पहल किए, मतलब किए हुए कर्मों को फल अब हम भोग रहे हैं, अच्छा वो प्रारब्ध है, ठीक है। और जो तीसरी श्रेणी है संचित कर्म, संचित कर्म बिन को बातें कहें जो कहे तो 100 जन्म निकट जाए, नंबर नहीं आवे भोग गए। तो अभी अपन कौन से भोग रहे हैं? अब हम वर्तमान में तो ये जो अब हम कर रहे हैं अच्छे बुरे, ये तो करण, ये तो क्रियामान हो गए, और भोग रहे हैं जो मतलब है प्रारब्ध, प्रारब्ध को मतलब है पिछले जन्म को जो हिसाब चल रहा है अभी, मतलब हमें अभी अपना पिछले जन्म का हिसाब चल रहा है। और सिंचित, सिंचित वो है तो मतलब 10-20-30 जन्म निकट जाए जो नंबर ही नहीं आप। अच्छा, उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र जो कौरवन के पिता है, नहीं भी अंधे, हाँ, और जन्म से ही अंधे आए, गर्भ से अंधे। तो माने कृष्ण भगवान से पूछी धृतराष्ट्र ने कि भगवान एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मैं मतलब गर्भ से ही अंधा आया, जन्म से अंधा। कृष्ण भगवान ने कही कि धृतराष्ट्र ये तेरे ही किए हुए कर्मों का फल। तो भगवान ये तो बहुत जन्मों की याद है। अच्छा, बाकू जन्म कई जन्म की हाँ, याद भी आई। हाँ, धृतराष्ट्र मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मैं गर्भ से अंधा आऊं। हाँ, तो बता दो कितने जन्म की याद है? वो 100 जन्म की याद है। अरे तेरी है, 100 जन्म थे, मतलब ऐसी याद है कि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया जाते मतलब मैं का जो गर्भ से अंधा हुआ। तो बोल भाई धृतराष्ट्र ये तेरे ही किए हुए कर्म में संचित कर, नंबर नहीं आयो कोई भोग, अब आयो। तो बोल भगवान 100 जन्म की याद है? हाँ। तो फिर भगवान ने बापू दिव्य दृष्टि दी उनको धृतराष्ट्र, तो 100 जन्म ते परे को ज्ञान करायो। तो क्या देखते हैं धृतराष्ट्र, ये एक मतलब पक्षी है जिंदे पकड़ के सूर ते लकड़ी से बाकी नेत्र ने नकार दिए, 2 नेत्र नकार दिए जिंदे पक्षी के, मेरे ही किए हुए। तो फिर सिंचित कर्मन को नंबर आज अभी आवे, मतलब हाँ, बात यह है, ये प्रश्न जो अखितियर शंका है रही है नहीं। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई नहीं। हाँ, गीता में यही मतलब कर्मों का फल है, कर्मों का लेखा जोखा है, कोई राजा महाराजा की कथा कहानी नहीं है। हाँ, ये तो है। श्री अर्जुन ने तो मतलब काय जो प्रश्न किए और श्री कृष्ण भगवान ने बाकू समाधान जवाब दिए। तो ऐसे प्रश्न करते गए चलते चलते एकदम जैसे तेने जो प्रश्न किए ने, ऐसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताओ, ये एक आदमी गलत काम कर रहा और वो ऐसे आराम भोग रहा, ये एक आदमी बढ़िया कर्म कर रहा और दुख पा रहा, ये क्या कारण है? ये हमारी समझ में नहीं आई त्यारी बात। तो श्री कृष्ण भगवान ने कही अर्जुन सुन, ध्यान से सुन, 2 प्रकार के क्षेत्रफल हों, एक जमीन क्षेत्रफल और एक जीवन क्षेत्रफल। जीवन क्षेत्रफल यह है जो आदमी की उम्र है का 10-20-50-100 वर्ष की उम्र, ये जीवन क्षेत्रफल है। जमीन क्षेत्रफल वो है जहाँ में हम बाग लगा में कृषि करें अनाज बो, ये जमीन क्षेत्रफल है। जमीन में तुम आज बीज बोगे तो सकार बाम बाल निकल आएगी का फल आ जाएगा का धीरे धीरे आएगी, यानी समय पैक है। इसी प्रकार 2 खाते मतलब परमपिता परमात्मा की तरफ से न्याय व्यवस्था के लिए, एक खातो तो गलत कर्म को और एक खातो बढ़िया कर्म को, ठीक है।
अब पीरियड चल रहा भोगवे को बढ़िया कर्म को, और बामे मतलब का जो बढ़िया कर्म को तो बढ़िया ही भागो और गलत काम कर रहा है, काम गलत कर रहा। और हम तो मैं देख बेकू ये है रही है कि यार कितने भेजो अन्याय कर रहे हो और फिर भी ऐसा आराम हो। जब तक न्याय पुण्य को छेव तब तक अवगुण करो अनेक। जब तक वे पिछले जो पुण्य है नहीं वे नहीं बीतेंगे वह पीरियड में कितने को गलत कर्म कर, पर वो जो कर्म कर रहे अक्रम कर रहे नहीं गलत काम वे वैसे नहीं जा रहे, वे वह खाते में जमा है रहे। अच्छा अच्छा के तो भैया ये नंबर आवे या जन्म में नहीं आवे, जैसे हमारे या जन्म में शुभ कर्म बीत गए तो हम तो देख बे वो जैसे करियो जैसे पायो हम देख ले वो भैया। अच्छा और कहानी होती या जन्म में नंबर नहीं आया ये नहीं बीते शुभ कर्म, ये भगवान के घर कोई न्याय नहीं है ला। सब जन्म न करके बुरे कर्म कर भी हमें फिर देख बारो बाप नहीं हो या। ऐसे बहुत उदाहरण है गलत कर्म को नंबर चल रहा भोग भी बा में कितने को दान पुण्य तब कितने को कर ले जब तक वो नहीं बीते को हाँ वो अघारत नहीं जा रहे हो जमा है। ऐसे गीता में मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन या मैं मतलब शंका कर बे की लेस मात्र की गुंजाइश नहीं। तुमने देखे होंगे रोग दो प्रकार के बताए,